हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आ न्यू वीडियो। तो गाइस आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो भाई आज वाली वीडियो में हम मिथ को कंफर्म या बस्टेड करने वाले हैं। तो भाई वीडियो धमाकेदार है। तो पहला मिथ हम लोगों का है कि अगर आप लैम्बोर्गिनी के आगे वाले डोर पे लगातार स्टिकी बम्स लगाओगे तो वो निकल जाएगा और फिर बैठोगे तो मैजिक है। अच्छा भाई, तो हम लोग जो है सबसे पहले अपनी लैम्बोर्गिनी को मंगा लेते हैं 7000 से। जैसे ही दाबेंगे तो 7000 से हम लोगों की लैम्बोर्गिनी आ जाएगी। क्या ही तगड़ी लग रही है। अब उसने कहा है कि इसके ऊपर स्टिकी बम्स को डालो, तो हम लोग लगातार इसमें स्टिकी बम्स को फेंकेंगे, देखने वाले हैं क्या मैजिक होगा। उसने बताया था कि इसमें जो है डोर वो निकल जाएगा, इसके बाद जब हम इसमें बैठेंगे तो उसमें मैजिक कुछ होगा। तो देखते हैं मैं स्टिकी बम्स इसमें लगातार। भाई मैंने लमसम में 50 से ज़्यादा स्टिकी बम्स इसके ऊपर लगा ली है और ये भाई निकल गया गेट। ओ भाई गेट निकल गया है। अच्छा गेट निकल गया है, रुको रुको, अब मैं इसमें क्या बताया था इसके बाद मैं इसके अंदर बैठता हूँ तो क्या होगा। तो देखने वाला भाई मिथ बहुत तगड़ा होने वाला है। देखते हैं इसके ऊपर बैठते हैं और ये बैठ गया। अबे गेट नहीं है तब भी बैठ गया, ये बंद कैसे कर रहा है। और भाई जा रहा है इसमें क्या ग्लिच। अरे अबे भाई चिंगाड़ी निकल रही है। ओ भाई चिंगाड़ी देखो। अरे अबे भाई कितनी ज़्यादा चिंगाड़ी निकल रही है भाई। तो भाई ये वाला मिथ जो है वो तो कन्फर्म है भाई, एक नंबर कन्फर्म है मिथ। तो इसको जो है भाई लैम्बोर्गिनी को अगर इधर भी घुमाता हूँ तब भी ये देखो भाई चिंगाड़ी कैसे निकलती है, इसका आगे वाला टायर नीचे से। तो हमारा अगला मिथ है कि मून ग्रेविटी पर हॉर्स को जंप कराओ तो मैजिक देखो। अच्छा तो भाई हम लोग जो है मून जो हॉर्स उसको लेते हैं, पहले मून ग्रेविटी को ऑन कर देता हूँ। तो मून ग्रेविटी को कर दिया मैंने ओपन। अब इसके बाद हम लोग हॉर्स को मंगाते हैं और हॉर्स का चीट कोड जो है, अरे लगा ले यार, हॉर्स का चीट कोड है 200। जैसे आप लोग 200 दबाएंगे आपका हॉर्स आ जाएगा और हॉर्स के ऊपर बैठते हैं। ओ भाई हॉर्स तो तगड़ा लग रहा है। और हॉर्स के ऊपर बैठते सवारी करते हैं, भगाते हैं और जंप लगाई। अबे कुछ नहीं हो रहा। अबे भाई चूतिया वूतिया हो क्या यार। अबे भाई कुछ नहीं हो रहा यार, जंप लगाई है इसने। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से मैं देखता हूँ कि क्या पता मून ग्रेविटी ना लगी हो। मैं दोबारा से 7112 क्लिक करूँगा और मून ग्रेविटी लगा के जो है हॉर्स को जंप करवाऊँगा। देखने वाला हूँ क्या मिथ होता है, क्या ग्लीच होगा। तो मैं फिर से लगा के मैं बैठ गया हूँ और फिर से मैं जंप करा रहा हूँ, नहीं यार कुछ नहीं हुआ। तो ये वाला मिथ तो भाई बस्टेड है इसका ये वाला। तो भाई नेक्स्ट मिथ है वो बता रहा है, अगर आप प्लेन के पहले आगे बाइक स्पॉन करोगे और उस पर बैठोगे तो मैजिक देखना क्या होगा, आप सुपरमैन बन जाओगे। अच्छा भाई तो देखते हैं भाई, हम लोग जो है अपना प्लेन को स्वैप करवा लेते हैं जो ही हमारा है 555। जैसे 555 क्लिक करेंगे आपका एरोप्लेन आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि इसमें जो बाइक है हम लोग कौन सी बाइक लिए, हम लोग लेते हैं निंजा कावासाकी H2R जो कि 3000 से आने वाली है। तो जो आ गई है और आ गई है, कहाँ आई है बे। अबे भाई हाँ तो भाई मैं तो बैठ गया इसके ऊपर और ये आ गई। अरे अबे भाई अबे सुपर वूमन बन गया भाई, सुपरमैन। अबे भाई ये वाला, अरे ये वाला ग्लिच भाई देखो कितना तगड़ा। अबे भाई कैसे उठ रहा है आगे से। अबे भड़ा भाई कितना लंबा ये हो गया है भाई, इसकी हाइट भी बढ़ गई है बे। ओ भाई साहब भाई तगड़ा है ये मिथ। तो भाई ये वाला मिथ तो कन्फर्म है, सुपरमैन नहीं बना लेकिन टालर मैन तो बन चुका है ये भाई, टाल मैन बन गया। तो ये मिथ कन्फर्म है। तो भाई हमला जो नेक्स्ट मिथ है वो है, अगर आप ट्रेन के ऊपर 00 से बहुत सारे टैंक गिराओगे तो जादू होगा। अच्छा तो अब लोग 00 से इसके ऊपर जो है फ्यूल टैंक गिराते हैं, देखने वाले हैं कि क्या होगा। तो 00 से मैं जो है इसके ऊपर गिरा रहा हूँ, एक फ्यूल टैंक अपना आ गया है। फिर से दोबारा से क्लिक करूँगा एंड 00 लग जा तू नहीं 00 जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से फ्यूल टैंक आ जाएगा। तो भाई ऐसे करके मैंने लमसम में 10 से ज़्यादा भाई फ्यूल टैंक मंगा लिया, लेकिन अभी तक हुआ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा भाई। ये मैंने फिर से मंगाया है, अब मैं एक बार फिर से मंगा के देखता हूँ 00 से थोड़े फास्ट फॉरवर्ड से, और नहीं हुआ भाई। ये तो नीचे गिर गया फ्यूल टैंक यार। भाई ये मिथ है कि नहीं है भाई, मुझे तो ये बस्टेड लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है यार, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं भाई ये मिथ तो मुझे नहीं सही लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक तगड़ा वाला मिथ इसमें दिखाने वाला हूँ। क्या करना है आपको, ये जो रेलिंग दिख रही सीढ़ी इसके ऊपर चढ़ जाना है, इसके ऊपर चढ़ के हमको जो ये टीन लगे हैं टीन के ऊपर चढ़ना है। जिस तरीके से भाई मैं चढ़ रहा हूँ देखने वाला, यहाँ जंप लगेगा और ऊपर चढ़ गया भाई, ऊपर भाई मैं चढ़ चुका हूँ। अब मुझको क्या करना है, कुछ नहीं भाई, लोग जैसे ही हम लोग जो है इस ट्रेन के ऊपर चढ़ेंगे कूदेंगे तो देखना भाई मैजिक क्या होगा। सबसे पहले जो ये RPGs मैं फोड़ देता हूँ, ये तो भाई बस्टर्ड है भाई, बस्टर्ड मिथ है। तो इसको फोड़ देते हैं PNG से, और ये कहाँ है, अरे हाँ भाई। तो इसको जो है ट्रेन के ऊपर मैं जंप कराने वाला हूँ और देखते हैं भाई क्या मैजिक होगा, देखना भाई तगड़ा वाला मैजिक होगा, देखना। ए आ ओ अरे 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 भाई देखो कैसे भाई, अरे तड़प रहा है भाई, भाई तड़प कैसे रहा है जैसे इसको करंट लग गया हो। ओ भाई ट्रेन के ऊपर बिल्कुल नहीं खड़ा हो रहा। अबे भाई ये कैसा मिथ है भाई, बहुत तगड़ा लग रही है ये तो। ओ हो
मर जाएगा, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है ये बास्टर्ड है, मर जाएगा। और ये भाई खत्म भाई, इसका खेल खत्म। तो भाई हमारा नेक्स्ट में ये है कि अगर आप ट्रक ट्रेलर में मॉन्स्टर थार को लाएंगे तो उसका RGB कलर हो जाएगा प्लेयर का। अच्छा तो देखते हैं अपना जो है टैंक को मंगाते हैं, ये वाला कौन सा है ट्रक ट्रेलर को 01212। जैसे आप लोग एक डायल करेंगे तो आपके सामने ट्रक ट्रेलर आ जाएगा। भाई मिथ तो मुझे लग रहा है बस्टेड होगा कि कंफर्म होगा, मुझे तो भाई बस्टेड लग रहा है, क्योंकि यार प्लेयर RGB कलर का कैसे हो सकता है भाई। ये तो स्किन इसका जैसा कलर है वे वैसा ही रहेगा। तो हम लोग जो है 90-90 से थार को लाते हैं, मॉन्स्टर थार को। और ये भाई ओ अबे जंप कैसे कर गई, अबे जंप कर गई ये। भाई मिथ जो है मैं कह सकता हूँ 50-50 कह सकता हूँ, क्योंकि भाई इसका कलर RGB नहीं हुआ है, बट भाई ये इसके ऊपर रुक नहीं रही है, ये जंप कर जाती है। देखना भाई ये, वो देखो भाई जंप करके कहाँ चली गई, ओ बे थार, ओ भाई साहब। और ये देखो मैं दोबारा से फिर से कोशिश करने वाला, और ये 90-90 से थार और ये गई। तो भाई हम लोगों ने भाई इस वाली वीडियो में मिथ को तो कंफर्म और बस्टेड किया है। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।